6 सितंबर को सवर्णों संगठन द्वारा SC/ST एक्ट में संशोधन के विरोध में बुलाए गए भारत बंद पर प्रतिक्रिया देते हुए BSP सुप्रीमो मायावती ने इसे BJP का पॉलिटिकल स्टंट कहा है। मायावती ने कहा कि अपना जनाधार खिसकता देख BJP पर्दे के पीछे से यह खेल खेल रही है। मायावती के अनुसार चुनाव से पहले BJP जातियों को बांटना चाहती है। BSP प्रमुख मायावती ने कहा कि जो लोग SC/ST अधिनियम के खिलाफ विरोध कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। उन लोगों ने अपने दिमाग में इसे लेकर गलत फहमी भर रखी है। उन्हें लगता है कि SC/ST समुदाय के अलावा दूसरे लोग इस अधिनियम का फायदा उठाएंगे और ऐसा करने से आदिवासी समुदाय पीड़ित होगा। मायावती ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी पार्टी इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। BSP सुप्रीमो ने कहा कि SC/ST एक्ट में संशोधन का विरोध सिर्फ BJP शासित राज्यों में कराया गया। अब चुनाव के नजदीक आने से BJP जातिगत तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं, दलित पिछड़ों सवर्णों और अल्पसंख्यकों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में ही पहली बार सवर्णों को आर्थिक रूप से आरक्षण देने की मांग उठाई गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ, न ही SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं। बिना किसी तैयारी के नोटबंदी और GST लागू करने से केंद्र सरकार ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क।